उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आरुषि, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग। आज हमारा जो लेक्चर है वो पश्चिम में नारी आंदोलन का उदय, संदर्भ और मुद्दे, जिसमें हमारा जो आज जो हम फोकस करेंगे वो फ्रांस की क्रांति और महिलाओं के सवाल पर। आज की जो हमारी विषय वस्तु है या जिस किन किन कौन कौन से विषय हमारे लेक्चर में शामिल हैं उसमें वो है उन ऐतिहासिक संदर्भों जिनमें लोकतांत्रिक हिस्सेदारी ने अपना मौजूदा स्वरूप ग्रहण किया। क्यों वोट का अधिकार लोकतांत्रिक हिस्सेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया? नारीवादी आंदोलन के पहले दौर में इसे प्रधानता कैसे मिली? अर्थात जैसे हम देखते हैं कि सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अधिकारों की जो मांग से इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो ऐसा मतलब क्यों इसका इसके पीछे कारण क्या था कि ये मतलब राजनीतिक कारण राजनीतिक जो अधिकार मतलब वोट देने के अधिकार को जो है इसमें प्रधानता मिली, यह समझना कि समय के साथ लोकतांत्रिक हिस्सेदारी का अर्थ किस प्रकार बदला और हिस्सेदारी की पहुंच कितनी लोकतांत्रिक थी। फ्रांस में महिलाओं द्वारा किए गए मतदान अधिकार हेतु संघर्ष को हम आज के इस लेक्चर में समझेंगे। आज हम सार्वभौमिक और समान मताधिकार के विषय में सोचने के कहीं ना कहीं आदि हो चुके हैं, लेकिन एक बात को समझने की ज़रूरत है कि मताधिकार से अब जो हमारा अर्थ है आरंभिक दिनों में ऐसा नहीं था। मिसाल के तौर पर 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक सफरेज से अर्थ केवल संपत्तिवान पुरुषों के लिए ही वोट से था, जैसा कि पिक्चर में भी दिख रहा है कि उस समय जो एलीट क्लास होता था वो किस तरह से जो नॉर्मल वहाँ पर पीपल होते हैं वो उनको ट्रीट करते थे। 1848 में फ्रांस के द्वारा पुरुषों को मताधिकार दिए जाने से पहले किसी भी देश में पुरुषों के लिए सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड ने 1889 में पुरुष मताधिकार की व्यवस्था दी थी। 1900 से पूर्व केवल न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट डालने की अनुमति थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक मताधिकार के सिद्धांत को लगभग प्रत्येक यूरोपीय देश के द्वारा अपना लिया गया था। कुछ ही देश इसके अपवाद रहे हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड, जहां पर 1971 तक महिलाओं को वोट से वंचित रखा गया, तथा स्पेन और पुर्तगाल में जहां पर खुले प्रतिद्वंद्वात्मक निर्वाचन 1970 के मध्य तक नहीं हो पाए थे। तो इन सब के सब पीछे बहुत सी परिस्थितियां, बहुत से संघर्ष रहे हैं। लोकतांत्रिक हिस्सेदारी एक ऐतिहासिक अन्वेषण। लोकतंत्र को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जाता है जो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, रंग या पहचान से संबंधित हो, को राजनीतिक समूह या राष्ट्र राज्य के मामले में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। राजनीतिक समुदाय के मामलों में हिस्सेदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह सदस्यों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भूमिका अदा करने की अनुमति प्रदान करता है। लोकतंत्र में हिस्सेदारी का अर्थ पूरे इतिहास में लगभग एक जैसा नहीं रहा है। यदि बात की जाए प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसी व्यवस्था की, जो कि प्राचीन ग्रीक की शुद्ध या आदर्श व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, इस शुद्ध पद्धति के बतौर पेश किए जाने वाले एथेंस के लोकतंत्र की कार्यशैली से यह पता चलता है कि राष्ट्र राज्यों पर शासन में नागरिकों की राजनीतिक गतिविधियों और जिम्मेदारी बढ़ चढ़कर होती थी। हालांकि यह राजनीतिक हिस्सेदारी जनता के एक बड़े हिस्से जो अनागरिक थे उनके बिना ही संभव बनाई जाती थी। मतलब कि यहाँ पर जो है पूर्व में मतलब हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो कि नागरिक की, जिसे नागरिक की श्रेणी में शामिल ही नहीं किया गया था, वो इस तरह की हिस्सेदारी भागीदारी से जो है उनको इसकी अपॉर्चुनिटी मिल पाई थी। वो जो अनागरिक की जो श्रेणी थे उनमें जो शामिल थे वो महिलाएं थीं, दास और बाहर से आए हुए लोग,
इस श्रेणी में शामिल थे जिन्हें कि नागरिक की श्रेणी में नहीं रखा गया था। इस हिस्से के बारे में यह समझ थी कि इनमें खुद पर शासन करने की क्षमता नहीं है। साथ ही इनको लेकर एक यह भी एक इस तरह का भी नैरेटिव था कि ये जो है इन लोगों के द्वारा वही कार्य किए जाने चाहिए जो कार्य बहुत ज़्यादा जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि जो सामान्य काम ही इनके द्वारा किए जाने चाहिए। इस प्रकार ग्रीक लोकतंत्र में राजनीतिक हिस्सेदारी के समानता का सिद्धांत जनता के एक बड़े हिस्से दास, महिलाएं और बाहरी लोगों को उनके जीवन से संबंधित मामलों में निर्णय लेने के उनके अधिकार से उन्हें वंचित रख के लागू होता था। स्वतंत्रता और समानता के आदर्श जो कि 17वीं और 18वीं शताब्दी की बुर्जुआ क्रांति के आधार बने, आधुनिक समयों में वे लोकतांत्रिक सहभागिता के परिभाषित सिद्धांत बन गए। सार्वभौमिक मताधिकार का रेडिकल विचार 18वीं शताब्दी के अंत में बेंथम और मिल जैसे सुविधाभोगी सिद्धांतकारों द्वारा विकसित किया गया। फ्रांस की क्रांति एवं महिलाओं का सवाल। नेशनल असेंबली ने अगस्त 1789 में मानव जिसमें कि मेन और नागरिक अधिकारों की घोषणा को अपना लिया जिसमें व्यक्ति के प्राकृतिक अटूट और पवित्र अधिकारों में विश्वास करते हुए घोषणा की कि मनुष्य समान अधिकारों की स्वतंत्रताओं के साथ पैदा होता है और इनके साथ ही जीता है। फ्रांस की क्रांति के दौरान सुविधा संपन्न तबके के विरोध में नागरिकता का एक नया अर्थ भी सामने आया जिसके तहत किसी भी राष्ट्र पर शासन करने में भूमिका निभाने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिक माना गया। साथ ही पुनर्जागरण काल में उपजे विमर्श के अनुसार नागरिकता के विचार सिर्फ पुरुषों के लिए ही लागू होते थे। मेंडले गुडरीथ का तर्क है कि प्रबोधन काल के कुछ लेखकों का स्त्री के प्रति विरोध और ज़्यादातर क्रांतिकारी वक्ताओं द्वारा इस विरोध का निष्ठापूर्ण अनुसरण के कारण महिलाएं पूर्ण नागरिकता से वंचित हो गई थी। तो ये जो विचार है ये मेंडले गुडरीथ का उस काल जो जिसे हम रेनेसा पीरियड कहते हैं उसको लेकर उन्होंने महिलाओं की जो स्थिति थी उस पर उन्होंने अपना ये कमेंट उनका था। उदाहरण स्वरूप इसी का उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। रूसो जो कि जो कि एक फिलोसोफर हैं राजनीति विज्ञान में, इनका लेख है एमिली, शिक्षा पर लिखा गया एक जो लेख है बहुत महत्वपूर्ण लेख है इनका एमिली। इसमें रूसो लिखते हैं कि महिला और पुरुष एक दूसरे के लिए बने हैं लेकिन उनकी परस्पर निर्भरता समान नहीं थी। हम लोग अर्थात पुरुष उनके बिना महिलाओं के बिना अच्छी तरह से जी सकते हैं, वे हमारे बिना नहीं। इसलिए महिलाओं की शिक्षा की संपूर्ण योजना पुरुषों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। पुरुषों को खुश रखना करना उनके उनको बड़ा करना और बड़े की तरह उनकी देखभाल करना, उनकी गलतियों को सुधारना और सांत्वना देना, उनकी ज़िंदगी को खुशहाल और अच्छा बनाना, ये सब युगों से स्त्रियों के कर्तव्य हैं और इसके विषय में उन्हें बचपन से ही सिखाया और पढ़ाया जाना चाहिए। ये जो कमेंट है ये रूसो का है, उन्होंने ये एमिली में इस तरह का कमेंट दिया था कि महिलाओं की स्थिति को लेकर कि महिलाओं का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की देखभाल तक ही सीमित होना चाहिए और इसके लिए उन्हें बचपन से ही तैयार किया जाना चाहिए। ये कमेंट रूसो का है। जिन महिलाओं ने क्रांति के शुरुआती दौर में भाग लिया और पहले के वर्षों में उन्होंने राज्य से अपनी स्त्री सुलभ चिंताओं पर दरख्वास्तें की थी, वे अब स्वयं को निष्क्रिय नागरिकों तक सीमित कर दिए जाने पर विस्मित थी। जिन महिलाओं ने क्रांति के शुरुआती दौर में बहुत मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, जब उन्हें जो है इस तरह से मतलब नागरिकता में शामिल नहीं किया गया तो इससे जो है वो लोग काफ़ी परेशान हुए, इससे काफ़ी आक्रोश बढ़ा। फ्रांसीसी महिलाओं के अधिकारों का घोषणा पत्र, तो जब ये आक्रोश बढ़ा उसके बाद जो है महिलाओं के द्वारा जितने भी राजनीतिक जहाँ पर वो लोग बातचीत करते थे इस तरह से आपस में मिलते थे उन सभी जगहों पर जो है
उनका उनको दबाना शुरू कर दिया गया था। तो इसी में जो है फ्रांसीसी महिलाओं के अधिकारों के घोषणा पत्र पर अब हम बात करते हैं। 14 सितंबर 1791 फ्रांसीसी नारीवादी ओलंपी द ब्राउज, इसका प्रोनंसिएशन कुछ और मतलब कि फ्रांसीसी लैंग्वेज में कुछ और होगा फ्रेंच लैंग्वेज में, तो वो शायद कुछ हम उतने अच्छे से इसको प्रोनंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ओलंपी द थ्राउज ने महिलाओं के अधिकारों का वैकल्पिक घोषणा पत्र डिक्लरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जारी किया। महिलाएं स्वतंत्र रूप से जन्मी हैं और उनके अधिकार पुरुष अधिकारों के समान हैं। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी नागरिकों, पुरुष हों या स्त्री, की इसे बनाने में हिस्सेदारी होनी चाहिए। महिलाओं को यदि फांसी के तख्ते पर जाने का अधिकार है तो उन्हें संसद में भी जाने का अधिकार होना चाहिए। तो ये जो विचार रखा, ये ओलंपी द ब्राउज ने, उनका ये विचार था और इन्हीं के द्वारा महिलाओं के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया था। 1793 में महिलाओं के राजनीतिक क्लबों को दबाया गया, महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी का विरोध किया गया और कानून में नेपोलियन की संहिता लागू की गई, जिसके तहत महिलाओं को परिवार के पुरुषों के मातहत रखा गया। इसका मतलब है कि उनको उसके उनके अधीन रखा गया। मैडम बार ब्रॉज ने कहा कि जब संविधान द्वारा व्यवस्था दी गई है कि सभी फ्रांसवासियों को मताधिकार प्राप्त है, तब इसके मुताबिक महिलाएं कानूनी रूप से वोट की हकदार हैं। जबकि कोर्ट ने कहा कि सभी फ्रांसवासियों में महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। लगातार संघर्ष के बावजूद महिलाओं को 1918 में जो में भी संपत्ति के अधिकार के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किया गया। 1944 में आकर काफ़ी संघर्ष के बावजूद फ्रांस में महिलाओं को महिला नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अमेरिका और इंग्लैंड में जो ये महिलाओं के जो अधिकार को वोट देने के अधिकार को लेकर चर्चा की गई है उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।